रोदा शाद रहे। माँ का साया भी पास रहे, ऐसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के झील है यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के झील है यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग लै यार के दुनिया रंग बरंगी। भाई से गलती हो गई, उन्हें पूछ के इनवाइट करना चाहिए। इनवाइट क्यों करना चाहिए था? और मैंने क्या इजाजत दे देनी थी? दे देनी थी मैंने इजाजत? अभी भाभी क्या हो गया? आखिर बुराई क्या है सादान में? ओहो, अच्छाई क्या है बताओ मुझे, मेरा दिमाग खराब है? तुम्हें इकलौती बहू बनाकर उस घर में मैं भेजूं? हाजरा भाभी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे पड़नी है, जिस तरह सजाद भाई की सारी जिम्मेदारियां सादान पे। आपकी दोनों उम्मीदवार तो चलेगी, रह गया सिर्फ मैं। मेरी पार्टनर बने? क्या ढूंढ रहे हो? आंटी जी, आपने तो मेरा वो निकाल दिया, वो जो अंकल का निकलता है बहुत बुरे तरीके से, क्या कहते हैं उसे? हाँ, तेरा। तेरा? तेरा क्या? अच्छा बात सुनो, चाचा जी है ना, उनका जिक्र आज ऊंची आवाज में ना करना। चाचा जी को असल में ना बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है आज, ऐसा ना हो कि अचानक आके मेरा तराई निकाल दे। एग्जैक्टली अच्छा, ढूंढ किसे रहे हो ये तो बताओ। आंटी, वो मैं एक्चुअली सादान को, नजर नहीं आया ना सुबह से, कहाँ है? सुबह अभी तो हुई है सुबह, वो भी हम सब की। सादान की तो सुबह 11 बजे से पहले होनी नहीं। शाइना उठी हुई है ना? हाँ, पता नहीं क्या हुआ है उसे, बस कुछ दिन में तुमसे कुछ अच्छी आदतें लेके अपना ली हैं उसने। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखा, मैंने कहा था ना, खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करें। कैसे उन्होंने आपका फौरन अफसाना छाप दिया। शाइना, मैंने तुम्हें मना किया था कैसे हरकत मत करना, और तुमने मुझसे वादा भी किया था, फिर भी तुमने ये किया। मैंने तो अपना वादा पूरा किया है, अफसाने पे आपका नाम थोड़ी छपा है, नाम तो मेरा छपा है। हुक्म, अब ना आप खुल के लिखें और किसी भी डायरी में बिना झिझक भेजा करें। लाइए आंटी, दीजिए। हाय हाय, क्या कर रहे हो? ना करो, मैं बनाती हूँ ना। अरे आप देखिए तो सही, मैं कितने जबरदस्त ऑमलेट बनाता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, एमी फसिया ने कहना है कि मेरे बेटे से घर के काम करा रही थी, मैंने नहीं कराना, बनाने दे मुझे मेरा बेटा, शाबाश। अरे मुझे आदत है काम करने की, इनफैक्ट मॉम को भी मुझे किचन के सारे काम करवाने की आदत हो चुकी है, और वीकेंड पे डिनर भी मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने फसिया को बेटी की कमी नहीं महसूस होने दी है? बिल्कुल, लेकिन मुझे रोटी या पराठा बनाना नहीं आता। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मॉम को भी नहीं आता, इसलिए। क्या हाल है इतनी सुबह सुबह आज? अस्सलाम वालेकुम, ब्रेकफास्ट ऑमलेट? हाँ है, क्यों? मैं अपने माँ पियो के घर अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं आ सकती। नहीं नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? तू जम जम आ, तेरे मम्मी अब्बाई का घर है, जरूर आ।
चले अंदर, अंदर चलते हैं। खबरदार जो तुमने किसी को बताया कि ये मैंने लिखा है, खास तौर पे आप। अनिला भाजी इतने खराब मूड में वापस आई है तो उनके गुस्से से इसका क्या ताल्लुक? ये भी तो हो सकता है ये गुड न्यूज देख के उनका मूड ठीक हो जाए। भाई मैं तो सबको बताऊंगी ये अफसाना आपने लिखा है और मैंने आपके डर से अपने नाम से भेजा था। अनिला तुम नहीं समझ रही हो, कहो भाई तुम दोनों सुबह से हैं। तुम तो बड़ी हड्डराम है शाइना। वह तुम तो कम अज कम आके किचन में देख रही थी, तुम्हें पता है सुबह सुबह इतना काम होता है नाश्ते का। भाभी मैं बस आने ही वाली थी। ये तो अल्लाह भला करे अकदस का, आधे से ज़्यादा काम मेरा उसने हल्का कर दिया। ज़रा भी नहीं है हमारे लड़कों जैसा जो हिलने का नाम ही नहीं लेते। खैर मेरी बेटी को तो हिल के पानी का गिलास उठाने की तौफीक नहीं होती। बस रसालों में जितनी खराफात पुठी सीधी है ना वो इससे पढ़वा लो। अम्मी कुछ उल्टा सीधा नहीं है, इतना कोई जबरदस्त है और आपको पता है कि किसने लिखा है? मेरे पास वक्त है इन सारी चीजों। तूने लिखा है? अम्मी ने मेरी बात तो सुने। रात भर नींद नहीं आई मुझे कि बस किसी तरह सुबह हो और मैं यहाँ आकर आपको दोबारा समझाऊं। मीज यहाँ के तो रंग ही निराले, किचन में घुसा आया है उसे और वो इस तरह से सुग्रापे की बातें कर रहा है जिस तरह भाभी ने उसे बहू बनाना है। बाहर से आया है ना, नहीं होते वहाँ नौकर चाकर। और वैसे भी फसिया के हाँ नौकरों का रिवाज ही नहीं था इस तरह के चौंचनों का, लड़की भी कोई नहीं थी, जाहिर है ऐसे ही नहीं करना था ना चूल्हा चौकी। आप मेरी बात नहीं समझ रही, आदतें जो है वो अपने घर में करें ना, हमारे घर के हर कोने में घुसना जरूरी है। शायद आप भूल रही हैं, एक बिन ब्याह पोती है आपकी, एक कवारी बेटी और दो दो खूबसूरत बहुएं हैं, कभी ना कभी तो वो किचन में जाएंगी। वहां पे एक 6 फुट का मुस्टंडा दारोगा बना खड़ा, बस हाजरा भाभी को कह दे फारिग करें इसे। वो तो अपने ससुर के सर पे चढ़ी, चाचा जी कह के हर बात मनवा लेती है और वो भतीजी के लाड में उसकी हर बात माने चले जाते। नहीं अम्मी जी गलत कह रही हैं आप, भतीजी नहीं बहू के लाड में। समझ नहीं आती अब्बा जी को क्या बहू ने उल्लू का गोश्त खिलाया हुआ, हर बात उनकी मानते। और एक मेरे ससुर थे अल्लाह बख्शे, खैर ये तो अल्लाह की मर्जी है बख्शे या ना। नहीं बख्शेगा, तू फिक्र ना कर। याद नहीं तेरी शादी पर उस बुड्ढे ने कितना स्यापा डाला था अकमहर पर, करतूत ही नहीं उसके बख्शने वाले। हाँ मेरा ससुर तो बड़ा सख्त इंसान था, कभी मेरी एक भी नहीं सुनी, अभी सलाम का सीधे मुंह जवाब तक नहीं दिया था। और एक मेरे अब्बा जी हैं, हर बात सुनते हो नवाबजादे। और अब मैंने सुना है कि उस चलाकू मासी लैला को भी खुली छूट देती है। मैं देखती हूँ मेरे घर में कैसे नया राज डालती है। देखिए आपकी बेटी का अखबार में नाम छपा है। अरे वाह इस मैगजीन में तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स का काम छपता है, हमारी शाइना ने इतनी सी उम्र। आई डोंट बिलीव दिस। लो तुम बिला वजह मेरी बेटी को हर वक्त डांटती रहती थी कि ये कुछ करती नहीं, ये कोई मामूली बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी मुसनफा बन गई। ओ शाबाश है ना। I'm so impressed। और ये डाइजेस्ट वाले को पैसे भी देते हैं कि नहीं? नहीं मेरा मतलब मुफ्त नहीं चाहते होंगे ना? क्या हो रहा है, किस बात की इतनी एक्साइटमेंट है? सुनिए देखो ना शाइना किस पे स्टोरी छपी है। ओ वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी शाइना राइटर बन गई है। इस बात की सेलिब्रेशन सादान के रिजल्ट से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? यस एग्जैक्टली।
प्लीज तो अनिला चाची जी के गोडे से लग के बैठी है तो उसको पता चल गया हमारी किस्मत। लो अब एक नया स्यापा, अब शायना की रंग बिरंगी कहानियां छपा करेंगी। अम्मी जी ये नतीजा होता है जब बहू को ज्यादा ढील दी जाए, जाहिर सी बात है बेटी भी खुल जाएगी। जोया एक कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। अब किसी के पास फुर्सत नहीं होगी, ना आपको चाय देने की ना दवा, एक एक कर सब पैसे कमाने की लत में पड़ जाएंगे। इसलिए तो आपको सुबह से समझा रही हूँ ना, लैला को काम करने की इजाजत का फैसला अब्बा जी से वापस कराएं। मियाँ जी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया, वो भी आसिम की पूरी बात सुनकर। अब देखना लैला का ना बाल ना बच्चा, चिड़चिड़ी होती चली जा रही है वो, किसी ध्याने लगेगी ना तो रुबीना के बच्चे देख देख कर ना जलेगी ना उसका दिल बुरा होगा। काम होगा उसके पास, पारे कब बैठेगी फिर। ले ये हाल निकाला है भाई, उसकी गोद भरने का कोई सबब निकाला जाए, कोई दवा कोई दम दरू। तेरे डॉक्टरों को दिखाया है दोनों ने, भाई कोई नुक्स होगा तो इलाज होगा ना, हर डॉक्टर यही कहता है कि अल्लाह की तरफ से दे रहा है। हाँ तो फिर अल्लाह के दर को ही पकड़ा जाए। फकीर और पीर मुर्शिद के दुआओं में बड़ा असर होता है। वो अम्मी जी वो याद है आपको, मेरी सास की बहन की जेठानी, वही जो मेरी सास की मौत पे इस तरह से बैन डाली थी जैसे उसकी अपनी माँ मरी हो। वो उच्चे दंदों वाली जो अपने बैन से हर मौत वाले घर में रौनक लगाती। अम्मी जी उसकी बेटी के घर में 16 साल के बाद औलाद पैदा हुई है किसी बाबा जी के अमल से। क्या 16 साल बाद? पर उसकी बेटी तो 4 साल पहले बेवा हो गई थी। वो बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा है जो उसने बेवा की गोद भर दी। वो नहीं, वो तो बेऔलाद ही मर गया जब उसकी दूसरी शादी की तब बच्चा पैदा हुआ। अम्मी जी बाबा जी से लैला के लिए भी एक तावीज ले लो, फिर देखिएगा आसिम और लैला की क्या बच्चों की लाइन लगती है। उसे सर उठाने का वक्त नहीं मिलेगा, काम कहाँ करेगी। बस वो जो समझते हैं उन्हें समझने दे, किसी को कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं। तो आपका क्रेडिट मैं क्यों लूँ? क्योंकि ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब बुक तो खबरदार जो तुमने मुझे इन्वॉल्व किया है। तो क्या अब आइंदा भी मेरे नाम से ही छपवाएंगी? आइंदा तो बस मैंने तौबा ही कर दी। अरे भाई वाह, यहाँ तो इतने टैलेंटेड लोग हैं कि आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड। बस कभी गुरु नहीं किया। तुम एक काम करना, अपने डाइजेस्ट की 3-4 कॉपीज मंगवा लेना, वरना मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपको लिखने का शौक नहीं? नहीं है, बल्कि इन्हीं से तो मैंने सीखा। तो फिर आपने अपनी कोई लिखी हुई चीज पब्लिश कराने का क्यों नहीं सोचा? मैंने कह दिया मैं इंटरेस्टेड नहीं। वैसे हाजरा भाभी मैं बहुत हैरान हो गई देखने में शाइना के फ्री लाओ बाली से लगती है, पर इतनी डर। आई एम एक्चुअली इंप्रेस्ड यार, मैं तो रात को सुकून से अपनी बेटी का अफसाना पढ़ूंगा। भाई मुझे भी कोई स्टोरी सुना दे। क्या मतलब सुना दे, खुद पढ़ो वरना मजा क्या आएगा। टाइम ही कहाँ है, बार को भी हाथ लगाए अरसा ही हो गया। टाइम तो निकालना पड़ेगा, मेरी बेटी का अफसाना है कोई मजाक है? बिल्कुल जी। और एक और बात मैं तुम्हें आज कहना चाहती हूँ, देखो रात को जाहिर आ रहा है और अपना हुलिया देखो, जाके कोई प्लकिंग थ्रेडिंग को फेशियल तो करा लो, देखो फ्रैकल्स कितने हो रहे हैं, है ना। हर बच्चे की दफा ना इसके मुंह पे छाइयां पड़ जाती हैं लैला, पता नहीं क्या बात है। हाँ तो जाहिद ने कौन सा हाथ के साथ मेरे चेहरे का दीदार करने बैठ जाना, जब उसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं कितनी बनूं सर। ये क्या बात हुई, अपने लिए और किसके लिए? बच्चों के बाद ना सब कुछ बदल जाता है। अभी आ जाएंगे स्कूल से, उन्हें लंच कराऊंगी फिर नहलाऊंगी फिर होमवर्क कराऊंगी, इन चोंचलों के लिए कहाँ से टाइम निकालूं। वैसे भी 10 मिनट से ज्यादा तो एक जगह पे बैठा भी नहीं जाता, कौन फेशियल कराए। मैंने तो अपना वादा पूरा किया है, अफसाने पे आपका नाम थोड़ी छपा है, नाम क्यों छपा है? फूफो अब नाम खुल के लिखे। तुम मेरे कहे
अरे भाई वाह, यहाँ पर तो इतने टैलेंटेड लोग हैं कि आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड। बस कभी गुरु नहीं किया। तुम एक काम करना, अपने डाइजेस्ट की 3-4 कॉपीज मंगवा लो, वरना मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपको लिखने का शौक नहीं? इधर दे, आइंदा मैं तेरे हाथ में ये नावल और रिसाले ना दे। लेकिन अम्मी जी, देख जोया, कॉलेज की पढ़ाई करनी है ना, वो किताबें तू पढ़ ले, मगर ये नावल, ये किताबें, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इश्क मशूकी वाला ऐसा नहीं है अम्मी जी। पता नहीं, वक्त बदल जाता है या सोच या फिर लोग। ये देखिए, आपका अकाउंट मैंने बना दिया है। अब ये पिक्चर ठीक है, इसे बना दो प्रोफाइल। नहीं नहीं वो ये तस्वीर नहीं, ये ऐनक वाली लगाओ। इस तस्वीर में गरेबान के बटन खुले हुए हैं। बच्चे क्या सोचेंगे, दादा गरेबान खुले बटन के साथ तस्वीरें बनवाते, बहुत खुल गया दादा। सही है, अब आपने अपने बच्चों को यानी पोते पोतियों को सिर्फ ऐड कर लो। हाँ ऐड करना, ठीक है। तो ऐसा करो तुम के पहले तुम बाहर वाले हो, जो परदेसी बच्चे हैं ना उनको ऐड करो, इस बहाने रोज तुमसे बात हो जाया करे। वो शफीक है ना, वो तो यही शबरात में बात कराता है बच्चों। सही है, आप मुझे उनकी डिटेल्स बताएं, हम उन्हें सर्च करते हैं, फिर उन्हें रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्यों रिक्वेस्ट क्यों भेजेंगे? और मैं दादा हूँ उनका, उनको मैं इल्तजा करूंगा, बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। नहीं नहीं आप समझे नहीं, मेरा मतलब है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओ नहीं हो, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट मत करो। नहीं मैं क्यों रिक्वेस्ट करूं उनसे, तेरा मतलब है मैं थल्ले लग जाऊं उनके? क्या जी मेहरबानी मेहरबानी रिक्वेस्ट वो नहीं हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें ऑर्डर करेंगे कि ऐड मी। कर लो ही ना, ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर। ओए ऐड मी। है फिर लैला, बिजनेस का क्या प्रोग्राम है तेरा? तूने वो बुटीक खोलनी है अपनी सहेली के साथ मिलके? नहीं भाभी, कपड़ों में ना तो मेरा इंटरेस्ट है, और पार्टनरशिप वो भी सहेलियों के साथ हमेशा गंदा रिजल्ट होता है। तो फिर केटरिंग का सोच रही हूँ। तू शादियों और वलीमों पर देगे पकाएगी? नहीं भाभी, इतने बड़े बड़े फंक्शन नहीं, बस छोटे फंक्शन जिस तरह बर्थडे पार्टीज होती हैं। आजकल तो आपको पता है कमेटी पार्टियां कितनी होती हैं, हाई टी हो गई, बहुत प्रॉफिट है इस काम में। खुद पकाएगी? खुद तो तेरे से आलू की भुर्जी नहीं बनती। गर्मी ज्यादा हो तो तुझे गश पड़ने लगते हैं चूल्हे के पास। अरे मैंने खुद थोड़ी पकाना है, लोग रखूंगी इसके लिए। भाई ये बिजनेस है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। मैं तो वाकई नहीं समझूंगी, मैं कैसे समझ सकती हूँ, सियानी तो तू ही है। नहीं, छोले और पकौड़े बना के तू पार्टियों में भेजेगी और उसके लिए तू रखेगी 6 मुलाजम। बिजनेस तो चल गया ना? ठीक है, कहले कहले अभी बस देखती जाइए मैं करती क्या हूँ। देखती जा रही हूँ और कर क्या रही हूँ। नहीं मॉम, अलबत्ता मैंने अपना इरादा बदल लिया है। नहीं मेरा मतलब है मैं होटल में नहीं जा रहा,
मैं कुछ दिन यहीं पे रुकूंगा। जी जी मैं अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। अब जाहिर है सही कह रही है कि मैं हमेशा यहाँ पे तो नहीं रह सकता ना। अच्छा माऊ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। एक सेकंड। गेट खुलवाने का मतलब ये नहीं कि इंसान बगैर पूछे सीधा अंदर आ जाए। बाहर चलिए मैं बात करता हूँ। तुम कौन हो? देखिए मेरे बड़े अजीज मोहतरम भाई आप बाहर चले मैं तारुफ करवाता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं गेट पे। चलिए। ओए एक मिनट, तुम मुझे निकालने से पहले तारुफ कराओ अपना। पता है मैं कौन हूँ? जी मुझे पता है कि आप कौन। आप सामने वाली मस्जिद से आए। इस एक हफ्ते में आपके लोग 3 बार चंदा लेके जा चुके हैं, मैं चौथी बार भी दूंगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप घर के अंदर घुस आए तो चंदा डिमांड करें। चलिए। अच्छा मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ? हाँ देखिए मैंने कहा ना मैं आपको चंदा भी दूंगा, आपका तबलीगी खुतबा भी सुनूंगा वो भी शौक से, लेकिन यहाँ नहीं गेट पे। चलिए। और तू होता कौन है मुझे मेरे घर से निकालने वाला? ओ सादाना, ओ वो अपने दोस्तों को घुसाया हुआ है तूने घर में, हैं? इनको तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? आप सादान के? सादान का चचा हूं मैं, जाहिद। रंग सुने चुप जाना तो मुझे, लेकिन मेरे यहां रुकने की वजह तुम्हारा चैलेंज नहीं, किसी और बात मुझे बांध रहे। वो क्या? अरे जमाना बहुत खराब है, औलाद हाथ से निकल जाएगी, सर पकड़ के रोएगा। बस भी करो ना, दुआले ही हो गए हो, थका आ रहा है मेरा बच्चा। हाँ भाई आ गए मौला साहब। दिखा तो सही, कोई नूर आया चेहरे पे कि नहीं? लग कख भी नहीं, जाने का फायदा क्या हुआ? अच्छा बस ना, हाथे मजाक करना शुरू कर देता है। सबसे ज्यादा नूरानी चेहरा है मेरे जाहिद का। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। चुप है। क्या कर रहा? हर बात का माहौल बना रहा था तुझे। चाचू मैं तुम क्या चाचू है? ये अपने घटिया फिल्मी गाने और बेहुदा पनाना मुझ तक न लाया करो, खुद तो दूर रह नहीं सकते इन खराफात से। खाना लगवा दो हाजरा। खा के आया हूँ खाना, आराम करूंगा। हाँ उतर जा, जा जाके आराम कर, थक गया मेरा बच्चा। आजा बेटा चल जा। ये कोई तरीका ऐसे है? इस तरह जवान लड़के को डांट देते हैं सबके सामने। क्या हुआ भाई, थका हुआ है? सदान कभी क्या है, बिना सोचे बिना देखे जिसके साथ चाहे मजाक शुरू कर दे। आपने भी सदान को डांटना है, अपने भाई को ना कभी कुछ कहना। क्या हो गया, आप क्यों लग गई तुझे? चाचा है, जरा ऊंची आवाज में कह दिया तो कौन सी आफत आ गई? बस रहने दे चाची जी, सदान आप कोई बच्चा नहीं है। हम जरा मैं और लैला डांट के तो देखे जाहिद और रबीना के बच्चों को, ऐसे तूफान खड़ा कर देते। मैं ताई हूँ, मैं नहीं कुछ कह सकती। मेरे जवान जहान बेटे को सबके सामने जलील किया जा सकता है, वो भी मेहमानों के सामने। नहीं बस कर दें, क्या हो गया? क्यों बस कर दूं? ऐसे बस कर दूं, हमेशा बस ही कर दूं। सादान हम जा रहे थे वॉक पे, चले चल।
देखा सजाद किस तरह जुबान चला रही है तेरी माँ के सामने, कोई लिहाज ही नहीं है इसे। चाची जी आपको तो बस जहर की हमेशा साइड लेनी होती है, किसी को परवाह ही नहीं है इस घर में। मर जाए काम कर करके, खिदमतें खातरे कर करके, हमें वो पूछता ही नहीं है। हाँ भाई क्या खबर है? पैर इतने सूज गए हैं मेरे, तू फंस रही है। इतने दिनों बाद आया सफर से शौहर, हैं? ये सूजे हुए पैर ही रह गए दिखाने को। तो सुनो तो सही ना, ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है, ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, जहा भी आ गया जिंदगी में, रात को नींद भी नहीं आती मुझे तो। तो नमाज वमाज पढ़ो, हैं? तिलावत किया करो, और नहीं होंगी ऐसी तकलीफें रंग बिरंगी तुम्हें फिर। सही कह रहे, पानी दे। और ये लड़का कब से है यहाँ पे? हमारे जाने के अगले रोज ही आया। अच्छा तो मेरे जाते ही सबके परपुर्जे निकल आए यहाँ पे। हाँ हाँ तुम्हारी तो इतनी दहशत है ना, इतना रोब है तुम्हारा, तुम्हारे एहतराम में सब अपने पर पुर्जे छुपा के रखते हैं। आज रो भाभी को खुद ख्याल रखना चाहिए था, दो जवान लड़कियां रहती हैं इस घर में। हाँ मेरी बहन और भतीजी, तो उनकी भी कुछ लगती है, लेकिन ये कौन सोचता है? बीवी तो तुम्हारी बुढ़ी खुसट है ना, उसको किसने मुंह लगाना है? ओ खैर पर्दा तो तुम पर भी वाजिब है, तू कहीं इस वजूद के साथ उसके सामने मटकती तो नहीं फिरती? मेरी हालत है किसी के सामने मटकने वाली? और शायना वो कहीं उस लड़के के साथ घूमने फिरने तो नहीं जाती? नहीं मैंने उस दोनों को कभी बात करते भी नहीं देखा। और लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ ही है, वो हजरा भाभी ने बहुत ही नामाकूल हरकत की है ये, और सोने पे सुहागा किसी ने एतराज भी नहीं किया, और सब दीन से दूरी का नतीजा है। तो असल बात तुम्हें पता ही नहीं है हुआ ये जो लैला है, सत्ती सवेरे उसने शोशा छोड़ा कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगी, और उस पर भी किसी ने एतराज नहीं किया। अब ये सब कुछ होगा घर में, अभी कहानी बाकी है। शहना है ना, क्या नाम है उसका? और बस कर, इतना थक के आया हूँ मैं सफर से, एक के बाद एक मनहूस खबर। वो तुझे तमीज नहीं है, हैं? शौहर के आराम और जहनी सुकून के लिए क्या करना चाहिए? मेरा आराम और जहनी सुकून तो कोई नहीं देखता। अच्छा चल ठीक है, मोबाइल लाता है, जुद कल आराम लगाना है। क्यों? मेरा दिल दुखा के जितने नफलों का सवाब तुमने कमाया और काफी नहीं है, तहज्जुद भी पढ़नी है। हाय हाय मियां साहब, इतनी बदतमीजी की है कल रात को आपकी भतीजी ने लाडली ने। आप तो खैर रात को जल्दी सो गए थे, आप क्या पता कि रात को क्या हुआ है? पता है सब पता है। जब जाहिद आया रात को तो मैं जान के सोता हुआ बन गया था, सोया नहीं था। हाय हाय ये क्या बात हुई भला, जाहिद सफर से आया था, उसे मिलने के बजाय आप सोते बन गए? खैर मैं आपको ये बता रही थी कि सादान ने की थोड़ी सी बदतमीजी, जाहिद ने उसे झिड़क दिया, तो फिर तो वो बोली है, बोलती चली गई, ना लिहाज किया सादान का, ना बंदे का, ना मेरा, बस बोले जाए, बोले गए। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भला? अरे मैं ये डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो देखकर हंस रहा हूँ। तुम्हें क्या पता डोनाल्ड ट्रंप कौन है? तुम्हें तो इलाके के काउंसलर का नहीं पता, अमेरिका के सदर का क्या पता होगा? हाँ तो मैंने पता करके करना भी क्या है, वैसे तो अमेरिका इतना बड़ा बनता है, सदर चुनता है तो बिल्कुल कोचे। पहला सदर था कौला शाह, बड़े बड़े दांत, और अब चिट्टा सफेद सांड, ऊपर छोटा सा मुंह। खैर आपने मुझे किन बातों में लगा दिया, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। चुप रहे,
मैं अपने पोते की तस्वीरें देख रहा हूँ। किसकी? सादान की? नहीं, सादान की नहीं, वलीद की, शफीक का बेटा है। लाए मुझे भी दिखा। ये दे, दे, ये कॉलेज की तस्वीर है उसकी। ये दे। लाए दिखाए ना। वो नेट स्लो है, तुझे फिर दिखा दूंगा। खुद ही खुद देख लेना सारी तस्वीरें, मुझे ना दिखाना कभी। नाराज होने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें जो करना था कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे अरे, शायद नाराज है मुझसे। आपसे नहीं, मुझसे नाराज है। लेकिन किस बात पे? कोई टाइचरस अफसाना, खैर छोड़ें। मुझे लगता है आपने मेरा चैलेंज ना काफी सीरियसली ले लिया। पहले अनिला फूफो से ठीक ठाक इज्जत अफजाई होने के बाद, और इवन कल जाहिद चाचू का रिएक्शन देखने के बाद भी, ये तो लगा था आप सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे। कि नहीं भाई, आपने तो ना हम पाकिस्तानियों को भी मात दे दिया। एग्जैक्टली वही कोई। तुम चाहती हो मैं चला जाओ? मैं क्यों चाहूंगी आप जाए? देखो, जाना तो मुझे, लेकिन मेरी यहाँ रुकने की वजह तुम्हारा चैलेंज नहीं, किसी और बात मुझे बांध रहा। वो क्या? उस बात को पूरा किए बगैर मैं नहीं जा सकता। भाई मेरी तो क्लास निकल जाएगी, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। बाय, हैव अ गुड डे। आसिम यार, वो मैंने तेरे से एक जरूरी बात करनी थी, वो लैला के बिजनेस के सिलसिले में। जी जी भाईजान, कहिए। वो मैं सोच रहा था रास्ते में तफसील से करते बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। यार सजान, शफीक का तेरे पास कोई दूसरा नंबर है? वो नंबर तो मिल नहीं रहा। वो इस वक्त रात है ना जी, वहाँ तो सो रहा होगा। ओ क्या हुआ बाबा जी, खैरियत है? हाँ, बात करने को दिल कर रहा था, हाल चाल पूछ लेना चाहिए कभी कभी। मेरा हाल भी पूछ लिया करें, मैं भी आपका कुछ लगता हूँ। इजाजत हो तो मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आप मेरे कमरे में तशरीफ लाइएगा। आज मैं आपका माजी, हाल, मुस्तकबिल सब पूछ लूंगा। भाभी, जोया का नजर नहीं आ रही, तबीयत ठीक है उसकी? तो छोड़ जोया को, मुझे तो और ही फिक्र लगी बैठ है। आप क्या हुआ है, खैरियत है? अनीला की खबर हो तो खैरियत हो सकती है। आज फिर आमद? रस्ते में है, चाची जी को लेने आ रही है। चाची जी को? चाची जी तो कभी भी बेटी के घर रहने नहीं जा सकती। अब्बा जी से नाराज होके तो नहीं जा रही? नहीं नहीं, लड़ाई शड़ाई कोई नहीं, फोन पे कोई प्रोग्राम बना रही थी, शॉपिंग वॉपिंग का नहीं था वैसे। तब भी अगर अम्मी जी ने कहीं जाना हो तो आपके साथ जाती है, जोया के साथ? ये तो मैं कह रही हूँ, कौन सा दौर है जो बेटी के बगैर नहीं हो सकता। अनीला ही कोई चक्कर चला रही है। अम्मी जी कहीं जा रही हैं? हाँ चाची जी, अगर शॉपिंग करनी है तो मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं, इतनी भी मोहताजी नहीं है, आ रही है मेरी बेटी लेने के लिए, छोड़ भी वही जाएगी। नहीं तो चाची जी, उसको अंदर तो आने देना, बेचारी को पानी शानी पी ले बैठे, जल्दी क्या है। आज बड़े लाड आ रहे हैं, और वैसे वजीफे होते हैं कि वो ना आए यहाँ।
आपसे कल सादान की डांट वाली बात पे नाराज है, थोड़ा सा रिएक्शन दिखा रही है इसलिए उसके साथ जा रही हूँ। मेरे साथ तो जाना सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं तू देख लेना, अनीला ने जरूर कोई खिचड़ी पकाई। चाची जी बेचारे तो सीधी सादी, उनको तो जिधर लाओ उधर ला देना। सोचो कुछ भी ऐसा नहीं, बस अल्लाह खैर ही करे। अरे कब से तुझे बता रहा हूँ, बल्कि खबरदार कर रहा हूँ, और तू नींद खराब होने के रोने रो रहा है। सोता रह जाएगा, सोता रह जाएगा और औलाद हाथ से निकल जाएगी। देख शफीक, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, छोड़ छोड़ काफरों के वतन को, उनके टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, अपने वतन आ जा, रूखी सूखी खा ले, औलाद को उनके रंग में रखने से बचा ले। किससे बात कर रहे हैं? क्या हुआ अभी? ये भी मैं बताऊंगा क्या हुआ। दीदे खुले रखा घर, दीदे खुले रख, मैं बताऊं? अरे जमाना बहुत खराब है, औलाद हाथ से निकल जाएगी, सर पकड़ के रोएगा। शफीक चाचू का फोन था। अभी उसने कभी मुझे फोन किया है? मैंने उसे फोन किया था। दादाजी आप गुस्सा क्यों हो रहे थे उन पे? गुस्सा? मेरे सामने है तो वो, तूने वो तस्वीरें देखी है, वो वलीद के, वो कॉलेज के फंक्शन की वो देखी तूने, जहां लड़के लड़कियां मिलकर नाच रहे थे? ओ, फेसबुक पे ना। अरे मेरे दूध में देखा, इतने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे लड़कियों ने, और दो तीन के हाथ में तो सिगरेट थे, दो तीन के हाथ में गिलास थे। दादाजी हाथ में गिलास थे ना, तो जरूरी तो नहीं है कोई गलत चीज ही हो, जूस पी रहे होंगे वो। अच्छा तू दादा को बेवकूफ समझ रहा, पागल हूं मैं? वहां अमरीका में लोग फंक्शन पे जाएंगे, नाचे गाएंगे और गिलास में जूस होगा? और वलीद को देखो, वो बेखैर है, वो अपनी बहन जरमीन को साथ ले गया, उसने लब लब लिपस्टिक लगाई हुई थी और जल्दियां निकाल के तस्वीरें खिंचवा रही थी। अरे बेगैरतों ने सारे खानदान की इज्जत का जनाला निकाल दिया। दादाजी ये तो अच्छी बात है, अगर जमीन साथ थी तो कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं होगी, अगर होती तो वो क्यों साथ जाती? अच्छा तू बड़ी साइड ले रहा है उनकी, यानी वो सही है और दादा गलत है। आपको गार्डनिंग से काफी दिलचस्पी है जी? अच्छा लगता है जब इंसान के लगाए पौधे बढ़ते हैं, फूलते हैं, बिने पत्ते आते हैं, कलियां फूटती हैं और खिलकर फूल बनती हैं, है ना? आपको ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी होती होगी। कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी लगाए हुए पौधे ने कंद निकालना चाहा, दरख्त बनना चाहा या उसपे फल लगा हो, तो आपको अफसोस हुआ हो? नहीं, बेमकसद गुफ्तगू का मतलब नहीं, मकसद तो है, आप समझी नहीं। देखें अगर बात करने के लिए कोई चीज नहीं होती तो बेहतर यही होता है कि इंसान चुप रहे। ये जरूरी नहीं कि किसी को भी अकेला देखकर उसके साथ खड़े होकर ऑल फॉल कोई ना कोई बात छेड़ी जाए। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहा। किस चीज का एहसास? देखिए शायना आपसे छोटी है, उम्र में भी और रिश्ते में भी, उसे आपके हौसले अफजाई की जरूरत है, नाराजगी के लिए। ये मेरे और शायना का आपस का मामला है, शायना ने आपसे कुछ कहा? नहीं, मुझे खुद महसूस हुआ जब से शायना का अफसाना छपा है, आप कुछ उखड़ी उखड़ी से रहे, उससे भी और बाकी सबसे भी। मुझे बताया था शायना ने कि आपको भी लिखने का शौक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि आप इतने सालों में अपना लिखा हुआ कुछ छपा नहीं सकी और शायना ने इतनी सी एज में? आप कह रहे हैं कि मैं शायना से जेलस हूँ?
नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। आपका यही मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने रवैये में चेंज लेके आएंगे वरना सबको यही लगेगा।